हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अनएकेडमी लाइफ एस एस सी एग्ज़ाम्स सो आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक हम सब लोग वापस आ गए हैं अनकेडमी लाइफ एस एस सी एग्जाम्स में यूट्यूब लाइव क्लासेस में और डेली टेन ए एम को जिस तरीके से आप लोगों का 1000 क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है वो सीरीज एक बार फिर से हम लोग यहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सीरीज अभी पॉज पे है तो अभी अनपॉज हो चुके हैं डेली जो है आपका टेन एम को वन थाउजेंड क्वेश्चन का ये सीरीज आपका चल रहा है साथ ही साथ पिछले बार जब आपका मॉक टेस्ट हुआ था जी ए बेस तब वो सिर्फ प्लस स्टूडेंट्स के लिए था आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स ने कहा था कि इसको फ्री किया जाए और मॉक टेस्ट सभी स्टूडेंट्स दे पाए तो इसीलिए फ्री मॉक टेस्ट डेली मंडे टू फ्राइडे सिक्स फिफ्टीन पी एम को आपका अनएकेडमी के ऐप पे हो रहा है आप सब लोग उसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं डेली जिए जैकपॉट मेरे प्रोफाइल पे भी आप लोग को अवेलेबल हो जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल हो जाएगा आप टेस्ट सीरीज सेक्शन में जाके अगर सर्च करेंगे तो फिर भी आपको मिल जाएगा डेली जीए जैकपॉट यहाँ एनरोल कर लीजिएगा और सिक्स फिफ्टीन को आप जो टेस्ट देंगे उसका एनालिसिस आप मेरे साथ सेवन पी को कंप्लीट टॉपिक के अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे आपको हो जाएगा जिस टॉपिक से वो क्वेश्चन पूछा गया है सो डो नॉट मिस दिस डेली सेशन जो आपका मंडे टू फ्राइडे सिक्स पी एम को सिक्स फिफ्टीन को आपका कंडक्ट किया जाता है एक बार मुझे बता दीजिए सब लोग कि हम लोग अब यहाँ से क्वेश्चन करना स्टार्ट कर सकते हैं सेशन को मैं एक बार यहाँ पे शेयर भी कर देती हूँ और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग एक बार सेशन को शेयर जरूर कर दे बिकॉज आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वी आर बैक विद दिस यूट्यूब क्लासेस राइट ऑल गुड ओके यस रणवीर अब रेगुलर आपके क्लासेस होंगे हेलो सौरभ चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि ये वन थाउजेंड क्वेश्चन को अगर आप डेली बेसिस में प्रैक्टिस करें तो इससे आप थोड़े बहुत कीवर्ड्स भी साथ साथ मेंटेन करते हुए जाए क्योंकि इन कीवर्ड्स से ये पूरा टॉपिक जो है आपको क्लियर होता जाएगा कंप्लीट पीडीएफ आपको टेलीग्राम में अवेलेबल हो जाएंगे लेकिन कोशिश कीजिए आप एक, एक दो दो वर्ड जो है साथ साथ लिखते जाए ताकि आपको याद रखने में और ज्यादा मदद मिले चलिए लेट लेटेस बिगिन विद द विदेश नाउ आज सी एच एस एल के एक शिफ्ट का क्वेश्चन हमने उठाया है फोर्थ ऑफ जुलाई का क्वेश्चन हमने आज के इस पेपर के लिए फोर्थ ऑफ जुलाई के क्वेश्चन लिए हैं और पूरे टॉपिक को यहाँ पे हम लोग जो है अंडरस्टैंड करते हुए आगे बढ़ेंगे ओके सो लेट एस बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर वन फॉर टूडेज क्लास मैंने पेपर को सेग्रीगेट कर लिया है पहले हिस्ट्री के क्वेश्चन होंगे फिर जोग्राफी फिर पॉलिटी फिर साइंस और फिर इकोनॉमिक्स उसके बाद जी के और करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे इस तरीके से तो पहला क्वेश्चन ऑब्वियसली आपका हिस्ट्री का है हु अमॉन्ग द फॉलोइंग स्किल्ड बाई छत्रपति शिवाजी महाराज इन द बैटल ऑफ प्रतापगढ़ निम्नलिखित में से कौन प्रतापगढ़ की लड़ाई में छत्रपति शिवाजी द्वारा मारा गया था गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू डेली पी पीएम के स्पेशल क्लासेस हो रहे हैं उसके अलावा ये क्लासेस आज से आपका दोबारा कंटिन्यू है आकाश कुमार ने सबसे पहले यहाँ पे करेक्ट आंसर दिया है वेरी गुड दैट इज ऑप्शन नंबर ए अफजल खान अफजल खान को छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो है चाकू से पूरा पेट फार के मार दिया था और यहाँ पे देखिए दिस इज द फोर्थ दिस इज द फोर्ट ऑफ प्रतापगढ़ और जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे प्लेन्स नहीं है ये आपका थोड़ा हाइट पे लोकेटेड है चारों तरफ जो है आपका गोरिल्ला वेर फेयर का परफेक्ट कंडीशन है तो इसीलिए यहां पर आपका जो कह सकते हैं बेटल ऑफ प्रतापगढ़ यहाँ पे हुआ अफजल खान के अगेंस्ट और अफसल खान को मार दिया गया इससे रिलेटेड एक बहुत ही सुंदर सा स्टोरी है अगर आप लोग जानते हैं नवम्बर सिक्सटीन तो नाइन ऑफ प्रतापगढ़ पे ये आपका सतारा महाराष्ट्र से थोड़ी दूरी पे है और क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली क्योंकि वहां पे आपका गोरेला वेलफेयर बहुत बढ़िया तरीके से आपका हो सकता था इसीलिए वो लोकेशन आपका चुना गया नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि जितने लोग अभी अनएकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं द टाइम इज बेस्ट क्यों क्योंकि ये जो आप लोग को जीएस कोर्स ऑन कंप्लीट कोर्स ऑन जीएस फाउंडेशन दिख रहा है ये कंप्लीट कोर्स ऑन जीएस फाउंडेशन फॉर द फर्स्ट टाइम वी हैव कंपाइल फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तो यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी मतलब साइंस का कंप्लीट कोर्स ऑन जीएस फाउंडेशन आपका होने जा रहा है ऑलरेडी हिस्ट्री ज्योग्राफी और पॉलिटी का कंपाइल्ड कोर्स है आपका वन सिंगल कोर्स जिसको आप कंप्लीट कोर्स ऑन जीएस फाउंडेशन करके सर्च कर सकते हैं उसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी आपको मिल जाएगा इकोनॉमी पे सेपरेट है सारे सब्जेक्ट पे सेपरेट कोर्सेज भी है और ये फर्स्ट टाइम के लिए लाइफ तीनों साइंस के आपके सब्जेक्ट्स कवर किए जाएंगे साथ ही साथ हिस्ट्री का नेक्स्ट बैच आप में से काफी लोग वेट कर रहे थे तो कंप्लीट कोर्स ऑन जीएस फाउंडेशन हिस्ट्री भी आपका जो है नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट है फिलहाल बायो का क्लासेस आपके चल रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से फिजिक्स को यहाँ पे अंडरस्टैंड करने का एक बैच ये तीनों आपके अपकमिंग बैचेस है आप मेरे प्रोफाइल पे जाके मेरे प्लस कोर्सेस को देख सकते हैं फिलहाल ये पांच मेरे करेंटली रनिंग बैचेस है आप इन्हें भी अटेंड कर सकते हैं अनकेडमी प्लस में जितने एडुकेटर्स जितने कोर्सेस पढ़ा रहे हैं उन सबको एक्सेस करने के लिए वन सिंगल प्लस सब्सक्रिप्शन से आप ज्वाइन कर सकते हैं डू नॉट फॉरगेट टू यूज माय कोड दैट इज ए एन टी ए आर ए वन जीरो लेटस प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू ऑल दी फोर रिवर्स मैंशन बिलो आर रिवर्स ऑफ केरला सबसे पहले आप लोग को पता लग गया कि केरला से इनमें से कौन कौन से रिवर्स है नयर रिवर पेरियर कुप्पम एंड चलियर रिवर नाउ द क्वेश्चन इज स्विच ऑफ दिस इज द साउथर्न मोस्ट रिवर ऑफ द स्टेट इनमें से कौन सा केरला के अंदर साउथर्न मोस्ट रिवर है पहले आंसर करने का कोशिश कीजिए अदिति uh, त्यागी इसमें आपका एक पूरा शिफ्ट मैंने उठाया है फोर्थ जुलाई ये पूरे सी एच एस एल के थाउजेंड क्वेश्चन सीरीज चल रहे हैं फोर्थ जुलाई का पहला शिफ्ट का ये आपका क्वेश्चन है ठीक है इस तरीके से डेली एक एक शिफ्ट हम करते हुए जा रहे हैं पूरे टॉपिक के साथ पुवल एंड सौरभ यहाँ पे लिख रहे हैं पेरी क्योंकि वो सबसे ज़्यादा फेमस है इसलिए आपने उस पर टिक किया होगा चलिए देखते हैं मैप से एज आई टोल्ड यू सुबह दस बजे आप अगर मुझे यहाँ पे टाइम इस क्लास के लिए आप अगर डेडिकेट कर रहे हैं तो आपका कंप्लीट प्रिपरेशन इसमें होना चाहिए ये थाउजेंड क्वेश्चन आपको जो है अच्छे से याद रहना चाहिए तो जरा सीक्वेंस देखते ये देखिए कबीनी रिवर ये है चलियार रिवर जो अभी आपको ऑप्शन में दिखा था चलियार रिवर दिस इज योर चलियार रिवर इसके बाद यहाँ देखिए आपको पम्बार रिवर दिख रहा है मुलियार रिवर कालंदा रिवर एंड नैयर रिवर तो आप लोग को दिख रहा है कि केरला में सबसे साउथ में कौन सा रिवर आपका सिटुएटेड है तो सबसे साउथ में आप लोग को अब आप लोग आंसर कर दीजिए यहाँ पे। अब आंसर कर दीजिए सभी लोग यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है नैयर रिवर दिख रहा है सब लोग को यस और नो सो नैयर रिवर इज द साउद मोस्ट रिवर इन योर केरला तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा नैयर रिवर दैट वॉज योर ऑप्शन नंबर ए नैयर रिवर इज द साउथ मोस्ट रिवर इन केरला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री द फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया व स्वतंत्र भारत के पहले जो आपके कैबिनेट है उसके बारे में आपको पता रहना पड़ेगा जिससे आप आंसर कर पाएंगे फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर सारे पूछे गए क्वेश्चन है तो इसी लाइन पे आपको प्रिपरेशन करना है एटलीस्ट 2019 के सभी एग्जाम्स जो 19 में हुए या फिर जैसे आपका 2019 का सीजियल मार्च 2020 को हुआ तो इस तरीके से जितने क्वेश्चन 19-20 के हैं 19 और 20 के हैं उनको कम से कम आप टॉपिक वाइज जो है बढ़िया तरीके से पढ़ लेंगे तो आपने कैबिनेट अब तक पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है बताइए नहीं आप एजुकेशन मिनिस्टर बता रहे हैं नहीं पढ़ा है तो फिर चलिए अब पढ़ते हैं देखिए जवाहरलाल नेहरू जो कि आपके प्राइम मिनिस्टर थे और वो है एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कॉमनवेल्थ रिलेशन और साइंटिफिक रिसर्च के मिनिस्टर भी थे सरदार वल्लभ भाई पटेल होम मिनिस्ट्री उनके पास थी आप लोग को पता ही है इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ये भी आप लोग को पता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फूड एंड एग्रीकल्चर के लिए आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया था हेल्थ के लिए पूछा गया था मौलाना अबुल कलाम आजाद आप में से कुछ लोगों ने बोला एडुकेशन मिनिस्टर थे एडुकेशन पे टिक करना है डॉक्टर जॉन मठाई रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर सरदार बलदेव सिंह डिफेंस मिनिस्टर जगजीवन राम लेबर मिनिस्टर सी एच भावा फॉर कॉमर्स आगे देखिए रवि अहमद के दवाई फॉर कम्युनिकेशंस राजकुमारी अमृत कौर राजकुमारी अमृत कौर फॉर हेल्थ क्वेश्चन में क्या पूछा था हेल्थ के लिए पूछा था तो हेल्थ के लिए कौन हो गए यहाँ पे राजकुमारी अमृत कौर डॉक्टर बी आर अंबेडकर ऑब्वियसली लॉ मिनिस्ट्री उनके पास रहेगा आर के शानमुखन शेट्टी काफी बार पूछा गया है फिनेंस श्यामा प्रसाद मुखर्जी वेरी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री एंड सप्लाईज एन वी गदगेद फॉर वर्कस माइंड एंड पावर सो दिस वॉज द फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया अगर नहीं पढ़ा है वीडियो पॉज कीजिए और दोबारा से याद कीजिए जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप बिल्कुल नहीं भूल सकते हैं वो है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू होम मिनिस्ट्री सरदार वल्लभ भाई पटेल फूड एंड एग्रीकल्चर राजेंद्र प्रसाद एडुकेशन मौलाना अबुल कलाम एंड फॉर इवन रेलवे ऑल्सो दे है फास्ट इन योर प्रीवियस ईयर डॉक्टर जॉन मताई तो इनमें से मैक्सिमम आपको किसी ना किसी एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछा गया है तो ये तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखना ही है चलिए आगे बढ़ते हिंदी में क्वेश्चंस आपको दिख तो रहे हैं सारे मैं हिंदी में बोल भी रही हूँ क्वेश्चंस भी आपके हिंदी में हैं तो चंचल जयकर मेरे ख्याल से आप यहाँ पे चार पाँच बार लिख चुके हैं इस बात को मैं हिंदी में बोल भी रही हूँ क्वेश्चंस भी आपके हिंदी में ही है तो समझने में कोई दिक्कत ऐसे होना नहीं चाहिए है ना अकॉर्डिंग टू इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ सिल्वर इन इंडिया इन टू इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस के हिसाब से निम्नलिखित में से कौन से स्टेट में हाईएस्ट सिल्वर के रिजर्व्स है तो 2018 हजार के हिसाब से तो हमें क्या पढ़ना है अपडेटेड 19 के हिसाब से भी अभी हम लोग देखेंगे अब आप चाहे 18 के बारे में देखें 19 के बारे में देखें दोनों ही केस में बताइए कोई बता सकता है फर्स्ट आई वेट फॉर आंसर दोनों ही केस में आंसर क्या हो जाएगा महाराष्ट्र नहीं नॉट ऑप्शन नंबर ए नॉट महाराष्ट्र मुझे स्टेट का नाम लिख के बताइए ताकि मुझे पता चले अगर आप एम ए एच लिख रहे हैं तो मुझे पता चल जाएगा तो द आंसर यर इज राजस्थान आंसर क्या हो जाएगा राजस्थान अमित गुप्ता अभिजीत देव पुअल सौरभ करेक्ट द आंसर इज राजस्थान हैज दाइएस्ट रिजर्व ऑफ सिल्वर माइका तो चलिए देखते हैं राजस्थान के लिए और कौन कौन से मिनरल्स है जो आप टिक कर सकते कि हाँ ये आपके राजस्थान में है लेड एंड जिंक सिल्वर वेरी इंपॉर्टेंट कॉपर के केस में भी हाइस्ट तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है लाइम स्टोन रॉक फॉस्फेट टेल्स टीएटाइट जिप्सम ओकरी ओकरी जिससे बहुत सारे चीज़ें बनाए जाते हैं अगेन लाइमस्टोन से रिलेटेड फेल्सपर कैल्साइट क्ले चाइना क्ले डोलमाइट आयरन लिगनाइट माइका इज वेरी इंपॉर्टेंट मैंगनीज इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट और अगर आपको चार चीज़ें याद रखना है राजस्थान के साथ तो आप याद रखेंगे सिल्वर हाइएस्ट कॉपर हाइएस्ट माइका हाइएस्ट और क्या पाया जाता है साथ साथ मैंगनीज भी पाया जाता है तो सिल्वर सिल्वर कॉपर एंड माइका ये तीन तो आप जरूर याद रखेंगे राजस्थान के साथ ओके चलिए आगे बढ़ते हैं लेटेस्ट प्रोसीड सबसे पहले बताया चलो वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन देखेंगे साथ ही साथ वो पूरा टॉपिक भी समझ लेंगे विच माउंटेन्स आर ऑन इंडिया ईस्टर्न बॉर्डर विथ म्यांमार निम्नलिखित में से कौन से माउंटेन रेंजेस है जो इंडिया के ईस्टर्न बॉर्डर में म्यांमार के साथ जो है यहाँ पे एक्सटेंड करते हैं सतपुरा रेंज तो आपको पता है विंद्यास और सतपुरास कहां पे है ये आप लोग को पता होना पड़ेगा विन्द्यास और सतपुरास तो विन्द्यास और सतपुरास ये तो म्यांमार तरफ जाना ही नहीं है यही से खत्म काराकोरम रेंज या फिर पूर्वांचल रेंज तो काराकोरम लद्दाख एन जस्कर अलग से कहां पे हम निकाल देते हैं ट्रांस हिमालयास ट्रांस हिमालयास बचा क्या बताइए अरे काराकोरम कहाँ जा रहे हो दीज आर सी प्लीज राइट डाउन द की वर्ड्स इफ यू डोंट नो ट्रांस हिमालयाज में थ्री रेंजेस क्या क्या है काराकोरम लद्दाख और जस्कर ठीक है काराकोरम लद्दाख और जस्कर फिर आप जब हिमालयास लिखते हैं तो हिमालयास में आप लोग क्या पढ़ते हैं हिमालयास पूर्वांचल जो ईस्टर्न हिमालयाज है जो ईस्टर्न पार्ट है इसको कहते हैं पूर्वांचल जो पूर्वांचल के तरफ है जो नॉर्थ ईस्ट के तरफ है इसको कहते हैं पूर्वांचल उसी के एक्सटेंशन को आगे कहते हैं अरकन्योमा अरकन्योमा और उसके बाद उसी के एक्सटेंशन से आप चाहे तो अंडमान एंड निकोबार पहुंच सकते हैं हिमालय के तीन रेंजेस क्या क्या होंगे आपके हिमाद्री हिमाचल एंड शिवालिक एंड शिवालिक हिमाद्री या फिर ग्रेटर हिमालयस हिमाचल या फिर लेसर हिमालयस शिवालिक या फिर आउटर हिमालयस तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा डी अब देखिए आप सब लोग को पता है माउंटेन्स कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए तो ऐसे क्वेश्चन में इतने सिंपल क्वेश्चन में आप कैसे गलत कर सकते हैं ठीक है डी इज द करेक्ट आंसर पूर्वांचल अब पूर्वांचल में थोड़ा सा देख लेते हैं पूर्वांचल में देखिए आप यहां अरुणाचल प्रदेश से स्टार्ट कीजिए सीक्वेंस में देखिए अरुणाचल प्रदेश नागालैंड मणिपुर मिजोरम तो अगर आपको कभी नॉर्थ से साउथ इन माउंटेन रेंजेस को या फिर इन हिल रेंजेस को आप अरेंज कीजिए नॉर्थ से साउथ तो ध्यान रखिएगा अरुणाचल प्रदेश पाटकाई बूम पाटकाई नागालैंड नागा हिल्स मणिपुर हिल्स एंड मिजो हिल्स इसी सीक्वेंस में आपको ध्यान रखना है पाटकाइबुम नागा हिल्स मणिपुर हिल्स या फिर उसके बाद लास्ट में मिजो हिल्स ये सीक्वेंस नहीं भूलिएगा अरुणाचल प्रदेश नागालैंड मणिपुर मिजोरम अब बाउंड्री के हिसाब से भी आप देख सकते हैं ये पूरा आपके ईस्टर्न साइड में है अब आप देखिए मेघालय कहाँ पे है यहाँ है मेघालय और यहाँ पे क्या ध्यान रखेंगे गारो खासी एंड जयंतिया गारो खासी एंड जयंतिया फिर यहाँ देखिए त्रिपुरा ओके और ये देखिए ये आपका बांग्लादेश बॉर्डर ठीक है नाउ हियर इन सेंटर इज योर असम, यहाँ पे है आपका सिक्किम और इस तरीके से अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक नॉर्थ ईस्ट के अंदर कैपिटल्स नहीं पढ़ा है तो बिल्कुल पढ़ लीजिएगा अरुणाचल प्रदेश इटानगर नागालैंड कोहिमा मणिपुर इम्फॉल मिजोरम आइजवाल त्रिपुरा अगरतला मेघालया शिलोंग एंड सिक्किम गैंगटोक असम के लिए क्या है असम के लिए है दिसपुर असम के लिए है दिसपुर ओके पॉज कीजिएगा कोई भी टॉपिक में डाउट है तो दोबारा से आप यहां से पढ़ लीजिएगा उस टॉपिक को ठीक माउंटेन रेंजेस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एस पर दूस हमने क्या क्या देखा अभी मैंने सेग्रीगेट किया है पहले हमने हिस्ट्री के क्वेश्चन देखे फिर जोग्रफी अब आते हैं हम लोग पॉलिटी के क्वेश्चन पे अब आप देखिए पॉलिटी के क्वेश्चन के शिफ्ट में पूछा गया एस पर दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट में रिजाइन हिज ऑफिस बाई राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू जब हमारे देश में प्रेसिडेंट रिजाइन करते हैं तो वो अपना रेजिग्नेशन किन्हें देते हैं एज सिंपल एज दैट तो आपको तो यूनियन एग्जीक्यूटिव और स्टेट एग्जीक्यूटिव काफी बार मैंने अलग करके बताया तो प्रेसिडेंट के तुरंत बाद यहां पे कौन आएंगे बताइए आशुतोष रणवीर सौरभ हिमांशी वेरी गुड करेक्ट आंसर बबलू करेक्ट प्रियव्रता करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर वेर इज अर वाइस प्रेसिडेंट डी यस, डी इज द करेक्ट आंसर वाइस प्रेसिडेंट इज द करेक्ट आंसर प्रेसिडेंट को रिजाइन करना होगा तो वो अपना रिजिग्नेशन किन्हें देंगे वाइस प्रेसिडेंट को देंगे एनी हाउ अस कंप्लीट दिस उसके बाद कौन होंगे इधर होंगे प्राइम मिनिस्टर फिर होंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और जब तक आप प्रेसिडेंट के आर्टिकल्स को याद करके सेवेंटी सिक्स में पहुंचेंगे आप पहुंच जाएंगे अटॉर्नी जनरल इस तरफ बनाइए प्रेसिडेंट के बराबर में स्टेट में कौन होंगे हेड ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव यहाँ पे होंगे गवर्नर वाइस प्रेसिडेंट के जगह पे कोई नहीं प्राइम मिनिस्टर के जगह पे जो आपको क्वेश्चन पूछते हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट आंसर कौन होंगे चीफ मिनिस्टर इधर स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड लास्ट वॉट द लीस्ट यहाँ पे कौन होंगे एडवोकेट जनरल राइट बस अगर ये टेबल आपको क्लियर है तो क्वेश्चन आप आंसर करते रहेंगे गुड मॉर्निंग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं Which former जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया was अपॉइंटेड एज द chairperson ऑफ द न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स Authority इन May 2019? थाउजेंड नाइनटीन तो जैसे कि आप लोग पूछते हैं करंट अफेयर्स कितने मंथ्स के तो टू प्लस टू ये देखिए मे का करंट अफेयर्स था जो आपको जुलाई में पूछा गया था राइट right? जभी भी आपके सुप्रीम कोर्ट के जजेस को चेयरपर्सन बनाया जाता है और वो करंट अफेयर्स में आपका क्वेश्चन रहता है तो पूछे जाने का बिल्कुल चांस यहाँ पे रहता है वेरी इंपॉर्टेंट वो करंट अफेयर बन जाता है तो निम्नलिखित में से कौन अभी भी न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी के चेयरपर्सन है आशुतोष हैज गिवेन द फर्स्ट करेक्ट आंसर वेरी गुड द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी दैट इज ए के सीकरी ए के सिक्री इज द करेक्ट आंसर ए के सिक्री इज द करेक्ट आंसर न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन एन बी ए उस वक्त आपका न्यूज में था अनाउंस्ड अपॉइंटमेंट ऑफ जस्टिस ए के सिक्री फॉर्मर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एज द चेयरपर्सन ऑफ न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड ऑथॉरिटी दट इज एन बी एस ए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब हमने हिस्ट्री जोग्राफी पॉलिटी के बाद अब हम साइंस के क्वेश्चन पे आ गए हैं फिजिक्स का क्वेश्चन देखिए सबसे पहला टॉपिक जो रहता है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स सबसे इंपॉर्टेंट आपने देखा हमेशा क्वेश्चन पूछे हैं और उसके बाद डिस्कवरीज यहां से भी हमेशा क्वेश्चन पूछे हैं वॉट इज द ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर प्रेशर का ऐसा SI यूनिट क्या है तो बताइए बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है आई वेट फॉर योर आंसर्स ओम किसका यूनिट है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का यूनिट है ओम पेस्किल इज द यूनिट फॉर वॉट आई हैव फेयर इन हैज हैजन द फर्स्ट करेक्ट आंसर दैट इज पेस्किल यूनिट फॉर प्रेशर वोल्ट इज द यूनिट ऑफ योर वोल्टेज एलेक्सेंड्रो वोल्टा के नाम पे डेडिकेटेड एन एम्पियर इज फॉर करेंट राइट तो यहां पे आंसर क्या हो गया यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स रिवाइज इट

वॉटर बॉन्ड डिजीज देखिए आप में सब लोग को पता है कोलेरा के पीछे का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ही है डर्टी फूड एंड वाटर तो ये तो आप कत मत करना इसके पीछे तो रीजन ही है डर्टी फूड एंड वाटर वंस अपॉन अ टाइम पेंडेमिक जैसा सिचुएशन था नोबडी हेज गिवेन द फर्स्ट करेक्ट आंसर जल्दी बताइए मम्स आशुतोष गिवेन द फर्स्ट करेक्ट आंसर वेरी गुड तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी दैट इज मम्स क्योंकि मम्स क्या है ये आपका एक वायरल डिजीज है मम्स इज वायरल विच इज कॉज बिकॉज ऑफ योर अ वायरस अब इसमें से हेपेटाइटिस का भी मोस्ट कॉमन कॉज आपका वायरल है बट उसके पीछे का जो रीजन है जो लिवर में इंफेक्शन रहता है उसके पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं वन ऑफ देम इज योर कॉन्टेमिनेटेड वाटर एल्कोहॉल कैन बी वन ऑफ द रीजन सो ऑलर रीजन बिहाइंड वायरस नॉट बिकॉज ऑफ वॉटर हैपेटाइटिस एक या ये भी वायरस है हाँ इसके पीछे भी वायरस रीजन रहता है इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर इसमें कौन सा ऑर्गेन इफेक्ट होता है लिवर इसमें आपका इफेक्ट होता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग आर फ्लावरलेस प्लांट्स दैट प्रोड्यूस कोज विद इन अवरी देट मीन्स क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा फूलहीन पौधे है तो यहाँ पे आपको एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म के बीच का डिफरेंस पूछा है येस ऑन नो सो यू टेल मी वॉट आर योर आंसर मैंने करेक्ट आंसर दिया है ओके प्रशांत बी अगेन ओके दीपिका इज राइटिंग एंजियोस्पर्म्स स्पर्म्स टू दिस आंसर ओके नाउ सी इन दिस क्वेश्चंस ऑलवेज रिमेम्बर जिम्नोस्पर्म इज गोइंग टू द जिम जिम्नोस्पर्म कहा जा रहे हैं जिम जा रहे हैं और यहां पे क्या है नेकेड सीड यहां पे है नेकेड सीड एनजियोस्पम्स कवर्ड सीड कवर्ड सीड ये सिर्फ याद रखने के लिए है और कोई इसके पीछे मकसद नहीं है तो जिम्नोस्पर्म्स जो है वो नेकेड सीड होते हैं इसीलिए ऑल्सो प्लान किंगडम में सारे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग फ्रॉम योर एल गई हा स्टार टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई ब्लू ग्रीन एल गई क्या है साइनो बैक्टेरिया साइनो बैक्टेरिया तो वो बैक्टेरिया है तो वो किस में आ जाएगा मोनेरा में आ जाएगा फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में मोनेरा में आ जाएगा फिर ब्रायोफाइट्स कौन है वी स्टार्टेड फ्रॉम थैलोफाइट्स याद कर लीजिए एक बार थैलोफाइट्स क्योंकि इनके पास थैलस बॉडी होता है एक थैले जैसा बॉडी होता है फिर वहां से धीरे ये लोग पानी में आ गए देन ब्रायोफाइट्स एंड दिस ब्रायोफाइट्स विल बी लाइक द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट

Helophytes, पानी से, Bryophytes, बीच में, लैंड पे आ गए, फिर के बाद चलिए, देखिए, फॉलोइंग इज डिफाइंड एज प्रपोर्शन ऑफ हाईली लिक्विड एसेट हेल्थ बाई फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू एंश्योर देयर ऑन गोइंग एबिलिटी टू मीट शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन क्वेश्चन में क्या पूछा है पहले समझ लीजिए इकोनॉमी पार्ट में अब हम लोग आ गए हैं निम्नलिखित में से कौन सा प्रपोर्शन ऑफ हाईली लिक्विड एसेट्स ओके दैट इज इसमें लिक्विड एसेट्स है ऑब्वियसली लिक्विड एसेट्स किस लिए होता है जैसे आपके पास कैश है गोल्ड है तो ये आपका लिक्विड एसेट है आप पानी के जैसा है जब चाहे आप इनको बेच के या फिर इनके बदले में लोन ले सकते हैं या फिर आप जो भी अपना काम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं जो लिक्विड नहीं होता है फॉर एग्जाम्पल एक कार है उसको बेचना पड़ेगा तब पैसा मिलेगा जो हाउस जैसा प्रॉपर्टी है उसको बेचना पड़ेगा फिर कैश मिलेगा तो वो उसमें लिक्विडिटी क्या हो जाता है कम हो जाता है लेकिन कैश कह लीजिए या फिर उसके बाद गोल्ड कह लीजिए तो उसमें आपका लिक्विडिटी काफी बढ़िया रहता है to ensure their ongoing ability to meet short term obligations मान लीजिए एक बैंक है उसको अपना short-term obligations day-to-day -day, या फिर short-term 30 days के अंदर का जो period है उसको मीट करने के लिए लिक्विड एसेट रखना पड़ेगा तो निम्नलिखित में से कौन सा है वो लिक्विडिटी कवरेज रेशियो बैंक रेट स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो या फिर कैश रिजर्व रेशियो लेट अस अरे कैश रिजर्व रेशियो कैसे होगा सी आर आर कैश रिजर्व रेशियो तो वो बैंक पहले से ये देखिए आप में से कितने लोगों ने ये डायग्राम मुझसे पढ़ा है सबसे पहले ह्यूमन बींग्स है हम लोग हैं फिर बैंक है उसके बाद आर बी आई है राइट सारे बैंकों के पिताजी अब बैंक जो पार्ट आर बी आई के पास रख रहे हैं वही सी आर आर हो गया इसमें कहाँ है लिक्विडिटी उस फोर परसेंट में क्या लिक्विडिटी है ना तो कैश रिजर्व रेशियो में तो है ही नहीं बैंक अपना शॉर्ट टर्म डिमांड्स जो है थर्टी डेज का डिमांड जो है बात समझिए वो आरबीआई से वो सीआरआर लेके थोड़ी ना फुलफिल करेगा यही पूछा है क्वेश्चन में

क्लियर है सब लोग को बाकी एलिमिनेट कर देना था ये पे पहुंचना था मैम क्या बीएससी एग्रीकल्चर के बाद एसएससी सीजीएल का एग्जाम दे सकते हैं मेक शाम बिल्कुल दे सकते हैं आप किसी भी स्ट्रीम में सिर्फ और सिर्फ आप अगर ग्रेजुएट है तो आप सीजीएल दे सकते हैं या फिर ग्रेजुएट के ऊपर कुछ भी पोस्ट ग्रेजुएशन पी एच डी एनीथिंग यू कैन गिव द सीजीएल एग्जामिनेशन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल फॉर एनी ग्रेजुएट सी एच एस एल फॉर एनी हायर सेकेंडरी जो भी आपका हो है ना तो ये क्या है हायर सेकेंडरी के लिए हो, और एम टी एस जो है वो टेंथ के लिए है आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे डेस्कटॉप कंप्यूटर्स लैपटॉप कंप्यूटर्स टैबलेट्स स्मार्टफोन्स आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो हमारे पास डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है लैपटॉप कंप्यूटर टैबलेट ये सब किसके एग्जाम्पल है विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं सुपर कंप्यूटर्स है ये मेन फ्रेम कंप्यूटर्स है माइक्रो कंप्यूटर्स है या फिर मिनी कंप्यूटर्स है बताइए आप लोग के आंसर्स मुझे यहां पे पोल पे दिख रहे हैं मुझे दिख रहा है कि प्रशांत गुप्ता संजीव हैज रिटन ऑप्शन नंबर ए सुपर मेरे ख्याल से आप पिछले क्वेश्चन का आंसर दे रहे थे तो इसमें लिख के बताइए आंसर क्या होगा द करेक्ट आंसर हियर इज योर मेन फ्रेम कंप्यूटर्स इन्हें हम कहते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स जो हमारे पास हमारा लैपटॉप होता है लैपटॉप इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेन फ्रेम कंप्यूटर्स बस तो बाकी सब भी क्या होगा मेन फ्रेम सॉरी माइक्रो कंप्यूटर्स बाकी सब भी क्या होगा माइक्रो कंप्यूटर्स ही होगा और एक चीज जो आपके लैपटॉप डेस्कटॉप टैबलेट और स्मार्टफोन है अगर ये सब माइक्रो कंप्यूटर्स है तो सब अलग कैसे हैं डिफरेंट कैसे हैं इनपुट डिवाइस इज द मेन डिफरेंस यहाँ पे इनपुट डिवाइस जो है वो मेन डिफरेंस है आजकल तो काफी सारे स्मार्टफोन्स ऐसे आ गए हैं जो बेटर परफॉर्मेंस आपको दे सकते हैं देन योर पुराने डेस्कटॉप बेस्ड ऑन क्या मॉडल है क्या स्पेसिफिकेशंस है आई थ्री आई फोर आई वॉट एवर इज द स्पेसिफिकेशन आई थ्री आई फाइव है कितना कि उसका हार्डवेयर uh, एक्सेट्रा इसमें हार्डवेयर इनपुट डिवाइस इज द मेन डिफरेंस डेस्कटॉप है तो उसमें इनपुट डिवाइस के लिए आपके पास कीबोर्ड होगा अलग से लैपटॉप है तो कीबोर्ड उसमें अटैच रहेगा टैबलेट है तो उसमें आपका पॉपअप कीबोर्ड होगा है ना अलग से कोई एक कीबोर्ड उसमें नहीं होगा और स्मार्टफोन है तो एवरीथिंग विल बी कंपाइल्ड इनटू अ स्मॉलर स्क्रीन दैट इज द मेन डिफरेंस नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अगर ट्वेल्थ में ना हो तो ट्वेल्थ के बाद एग्जाम हाँ बिल्कुल दे सकते हैं यही तो मैं बता रही हूँ सी एच एस एल इस्पेक्टिव ऑफ वट एवर हायर सेकेंडरी है तो फिर आप यहाँ पे एग्जाम दे सकते हैं सिमिलरली कम्बाइंड ग्रेजुएट लेवल इरेस्पेक्टिव ऑफ एवरीथिंग एल्स आप ग्रेजुएट है तो आप कंबाइंड है है ना टर्म को नाम को ब्रेक डाउन कीजिए कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल तो इरेस्पेक्टिव ऑफ एवरीथिंग एल्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हु डिफीटेड इंडिया सौरभ कोठारी इन फाइनल टू विन द 2019 पैसिफिक इंटरनेशनल बिलियर्ड चैंपियनशिप निम्नलिखित में से निर्माण ने क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है हु डिफीटेड ये भी काफी बार पूछा गया है एक बार वो टेनिस स्पोर्ट्स के रिस्पेक्ट में पूछा गया था और एक बार काफी बार सो इंडिया सौरभ कोठारी इन द फाइनल में अगर क्रिकेट के केस में भी अगर फाइनल में कभी भी हमारा देश हार जाता है तो उस केस में किन्होंने ने हराया ये भी एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है बताइए एनीबडी नो करेक्ट आंसर्स येट जोई डेविस पीटर अभिजीत देव हैज गिवेन द फर्स्ट करेक्ट आंसर हियर एंड द आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी दैट इज पीटर गिलक्रिस्ट पीटर गिलक्रिस्ट ने यहां पे जो है हराया था as of june 2019 who won the or who among the following was the chairman of the 15th finance commission of india ye to aap keh lijiye puchna hi tha obviously hamesha puchte hain jab bhi agar finance commission mein yahan pe changes aayenge chairman yahan pe banenge to but obvious question similarly rbi ke अंदर अगर आपके changes रहेंगे तो वो obvious questions रहता है 15th Finance Commission के बताइए chairman कौन है Very good. मोहन करेक्ट आशुतोष मिश्रा करेक्ट एन के सिंह इज द चेयरमैन ऑफ द फिफ्टींथ फिनेंस कमीशन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट रिटन नॉट रिटर्न बाय द ग्रेट इंडियन पोएट एंड ड्रामेटिस्ट महाकवि कालिदास निम्नलिखित में से कौन से बुक को महाकवि कालिदास ने नहीं लिखा है ये मुझे हिस्ट्री में रखना चाहिए था सबसे सेकेंड क्वेश्चन मुझे यह रखना चाहिए था नो इशूज बुक्स एंड ऑथर्स में अगेन मैं आपको बता दूं अगर आप बुक्स एंड ऑथर्स के हिसाब से भी देखें तो एंशियंट इंडिया से बुक्स एंड ऑथर्स पे क्वेश्चन आपके रहते हैं सिमिलर लाइंस शकुंतला रीतु संहारा मालती माधवा या फिर मालवी काग्नि मित्रम शशिकांत सोनी ये आपका सी का जुलाई 2019 के क्वेश्चन है इसके बाद आपका सिर्फ मार्च 2020 का पेपर हुआ लेकिन मार्च 2020 का पेपर भी जो है वो पूरा हो नहीं पाया बिकॉज ऑफ द कोविड 19 सो व्हाट इज य मालविकाग्नि मित्र ये कितने लोगों को नहीं पता ये तो कालिदास का वन ऑफ द फेमस एपिक्स है द आंसर हिस्स मालती माधवा मालती माधवा ये भी एक एपिक लव स्टोरी है और मालविका और अग्निमित्रम अग्निमित्रम ये भी आपका एक एपिक और आप लोग का अग्निमित्रम काफी बार के अंदर भी जब आप पढ़ते तभी भी आप पढ़ लेते हैं कि हाँ कालिदास और यहाँ पे इस बुक को लिखा है सो so, मालती माधवा इज द करेक्ट आंसर चलिए बुक्स देख लीजिए अगर आपसे पूछे कुमार संभवा किन्होंने लिखा है आंसर कालिदास रघुवंशा आंसर कालिदास मालवी काग्नि मित्र कालिदास विक्रम वैश्य आंसर कालिदास अभिजन शकुंतलम आंसर कालिदास नाउ इन दिस सीक्वेंस अगर आपको पुष्यमित्रा सुंगा याद है सुंगा डिनेस्टी में पुष्यमित्र सुंगा तो आपने पढ़ा था कि पुष्यमित्र सुंगा के बेटे का नाम क्या था अग्निमित्र फिर आपने पढ़ा था कि अग्निमित्रा के ऊपर बाद में सुंगा यूनिस्टी के दौरान नहीं बाद में क्योंकि पुष्यमित्र सुंगा ये तो मौर्यंस के बाद में आए थे द लास्ट रूलर बृहद रथ लास्ट मौर्यन रूलर बृहद रथ वॉज एसोसिनेटेड बाई पुष्यमित्र सुंगा उसके बाद जब अग्निमित्र आए थे तो यहां पे आपका लव स्टोरी था मालविकाग्नि मित्र लेकिन लिखा गया था काफी बाद में गुप्ता पीरियड में कालिदास के समय में तब लिखा था मालविकाग्नि so, याद आ गया होगा कि आपने के अंदर भी इसको पढ़ा था यस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाई भावभूति यस मालती माधवा वॉज रिटन बाई भावभूति करेक्ट हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर टू हिट अचुरी इन द वेरी फर्स्ट सेशन ऑफ अ टेस्ट मैच निम्नलिखित में से कौन से पहले भारतीय खिलाड़ी ऐसे थे जिन्होंने अपने पहले टेस्ट मैच में ही जो है यहाँ पे शतक बना लिया सेंचुरी बना लिया हिट अ सेंचुरी इन हिज फर्स्ट टेस्ट मैच इन हिज फर्स्ट टेस्ट मैच इंडिया के उसको हम देखेंगे अभी पहले इसका आंसर दे लीजिए एनीबडी ऑप्शन नंबर ए इस केस में बिल्कुल सही है आयोन देव करेक्ट आंसर शिखर धवन इज द फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर टू हिट अ सेंचुरी इन हिस वेरी फर्स्ट सेशन ऑफ टेस्ट मैच अगर आपसे पूछे कि फर्स्ट इंडियन टू स्कोर सेंचुरी बिफोर लंच ऑन फर्स्ट डे तभी भी आंसर क्या होगा ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया है तभी भी आंसर शिखर धवन नेक्स्ट अगर आपसे पूछे हु वॉज द फर्स्ट बैट्समैन एवर टू स्कोर अचुरी फॉर इंडियन टेस्ट क्रिकेट सबसे पहले इंडियन टेस्ट क्रिकेट में किन्नेचुरी लगाया है तब आंसर क्या होगा अमरनाथ भरद्वाज इज द करेक्ट आंसर लाला सॉरी अमरनाथ भरद्वाज इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इन मे टू थाउजेंड नाइनटीन विच वन ऑफ द फॉलोइन ऑर्गेनाइजेशन वॉज बैंड बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मे दो हजार उन्नीस में भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया था जमत उल मुजाहिदीन बांग्लादेश हरकत उल मुजाहिदीन अलबदर या फिर दीनदार अंजुमन इंडिया वर्सेस ओके शिखर धवन करेक्ट आंसर लास्ट क्वेश्चन में द आंसर हियर इज नो नॉट टू द आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए दैट इज जमत मुजाहिदीन बांग्लादेश गवर्नमेंट के वेबसाइट में पूरा लिस्ट है वैसे पर आपको वैसे पढ़ने का जरूरत नहीं है आपको देखना है देखिए मे 2019 का था जून जुलाई में आपको क्वेश्चन पूछा गया मतलब आपको टू प्लस टू इक्वल्स टू फोर मंथस के करंट अफेयर्स यहां पे पढ़ने हैं किस तरीके से पढ़ने हैं जो न्यूज आप देखिए सीजीएल और सी में जो बहुत प्रोमिनेंट न्यूज है वो आपको पूछा गया है ऐसे चिट्टू बिट्टू न्यूज कुछ भी उठा के नहीं पूछा है ना तो वो आप ध्यान रखते हुए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग अब कंप्यूटर्स में से हर एक शिफ्ट में लगभग दो क्वेश्चन रहे हैं दो क्वेश्चन मतलब फोर मार्क्स बट नॉट टू वरी वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आपको नहीं पूछा है है ना बाइनरी लॉजिक एंड एरिथमेटिक के फादर भी किन्हें कहा जाता है टू मार्क्स फ्रॉम कंप्यूटर्स टू आंसर एनीबडी सी एच एस एल ट्वेंटी ट्वेंटी के लिए कितने मंथ्स करेंट अफेयर्स पढ़ लें पहले फोर मंथ्स आप जरूर पढ़ेंगे टू प्लस टू फोर बट करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा आपको नहीं करना इसमें आप क्या करेंगे स्पेसिफिक आप जैसे ही ये थाउजेंड क्वेश्चन करते हैं तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे करंट अफेयर्स पूछा जाता है तो उस हिसाब से आप पढ़ेंगे सारा उठा के पढ़ने लग गए ऐसा नहीं सो आई कैन सी ना जो यहां पे शशिकांत लिख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए जॉन बेकस यहां पे लिख रहे हैं पुअल एंड द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी क्लॉड क्लॉड शैनन शैनन एक मैथमेटिक्स थे इनके समय पे जब इनका बर्थ हुआ था तब कंप्यूटर्स था भी नहीं ही गेन्ड पी एच डी इन एम आई टी इन दब्जेक्ट मैथमेटिक्स एंड लेटर ऑन ही हैड अ ह्यूज कंट्रीब्यूशन द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ कंप्यूटिंग ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इन मे टू थाउजेंड नाइनटीन अगेन मे जून जुलाई तीन से चार महीने who among the following became the only mountaineer in the world to hold the record of most summits on mount everest हफ्ते में दो बार भी पहुंच गए थे एक बार तो निम्नलिखित में से कौन है जिन्होंने अभी तक अभी भी यही आपका आंसर है अभी तक सबसे ज्यादा बार टोटल 23 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है मोस्ट नंबर ऑफ समिट्स सेवन पिक्स उन्होंने जो है यहाँ पे कवर किया हुआ है मोस्ट हाइएस्ट नंबर जो है इन्होंने बिकेम ओनली माउंटेन इन द वर्ल्ड टू होल्ड रिकॉर्ड ऑफ मोस्ट समिट्स ऑन माउंट एवरेस्ट ऑल सेवन पिक्स डन फ्रॉम नेपाल एंड द करेक्ट आंसर हियर इज शशिकांत सोनी बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर डी कमी रिता शेप्रा इज द करेक्ट आंसर सो नेपाल माउंटेनियर क्लाइंट माउंट एवरेस्ट फॉर द ट्वेंटी थर्ड टाइम एंड द आंसर वॉस योर कमी रीता शेप्रा कब पूछा गया था ये मे का करंट अफेयर्स था इसलिए पूछा गया अब आप एक ट्रेंड देख रहे हैं हाईएस्ट लोएस्ट जो आपके superlatives वाले क्वेश्चंस होते हैं जब ये सुपरलेटिव करंट अफेयर्स में बनते हैं और पुराने वाले रिकॉर्ड्स को यहां पे तोड़ते हैं तब वो ऑब्वियस बन जाता है हंड्रेड परसेंट कि आपको एग्जाम में पूछेंगे ज दाई ऑर्गेनाइजेशन सेकेंड शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज द एस सी ओ मास मीडिया फोरम हेल्ड फ्रॉम ट्वेंटी थर्ड टू ट्वेंटी सिक्स मे टू थाउजेंड नाइनटीन जो एस सी ओ का मास मीडिया फोरम है अगेन मे का करेंट अफेयर आपको पूछा गया जुलाई में फोर्थ जुलाई को आपका पेपर हुआ था कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ था बेजिंग में कजाकस्तान में इंडिया में या फिर उजबेकिस्तान में करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन था कहा लोकेटेड हाफ पेपर करंट अफेयर्स yes, विल बी यस सौरभ इसीलिए मैंने सिर्फ और सिर्फ इस बार के लिए कहा है कि फोर मंथ्स या इसके बाद वन ईयर के अंदर जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं क्रैश कोर्स में एक ही बार मैं आप लोग को करा दूंगी आफ्टर योर एडमिट कार्ड्स आर रिलीज नहीं तो मंथली करंट अफेयर्स तो हम लोग कर ही रहे हैं तो उसमें आपका कवर हो जाएगा निड नॉट वरी वेरी गुड करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी इज दस्तान में यह आपका हुआ था नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हु इज द ऑथर ऑफ द ऑटोबायोग्राफी प्लेइंग इट माई वे बहुत बढ़िया कॉस्ट बेनिफिट है इस टॉपिक में स्पोर्ट्स पर्सन स्पोर्ट्स पर्सन और उनके ऑटोबायोग्राफीज बायोग्राफीज राइट तो बताइए प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर महेश भूपति कपिल देव या फिर लियंडर पेस

नेक्स्ट द टेस्ट ऑफ माय लाइफ ये आपका किन का बायोग्राफी है युवराज सिंह द टेस्ट ऑफ माय लाइफ सनी डेज सुनील गावस्कर याद रखने का जरूरत ही नहीं है नाम में ही छुपा हुआ है सनी डेज सुनील गावस्कर राइट स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट एन ऑटोबायोग्राफी बाय कपिल देव देव है तो यहाँ पे जो है स्ट्रेट फ्रॉम दी हार्ट है सिंस है एस अगेंस्ट ऑड्स सानिया मिर्जा एस अगेंस्ट ऑड्स प्लेइंग टू विन जीतने के लिए खेलना तो किनका है सानिया नेहवाल प्लेइंग टू विन द ग्रेटेस्ट माई ओन स्टोरी द ग्रेटेस्ट किनका ये बुक है मोहम्मद अली मेरी कॉम क्योंकि बॉक्सिंग से रिलेटेड है तो अनब्रेकेबल अगेन नाम खुद आपको बोल दे रहे यहाँ पे गोल्डन गर्ल ऑब्वियसली नादर दिन पीटी ऊषा याद रह गया साथ ही साथ गोल्डन गर्ल कौन है पीटी ऊषा द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह मूवी भी है भाग मिल्खा भाग मिल्खा तो आपको याद रह जाएगा अब नाउ पॉज करके एक बार देखिए क्या क्या याद हुआ सचिन तेंदुलकर प्लेइंग इट माई वे युवराज सिंह द टेस्ट ऑफ माई लाइफ सुनील गावस्कर आपको याद रखने का जरूरत नहीं है नाम में छुपा है सनी डेस कपिल देव देव है तो हार्ट है यहाँ पे स्ट्रेट फ्रॉम दार्ट सानिया मिर्जा सारे ओज से यहां पे एस अगेंस्ट ऑड्स सानिया नेहवाल साइना नेहवाल इज फॉर प्लेइंग टू विन जीतने के लिए खेलना द ग्रेटेस्ट माई ओन स्टोरी बाय मोहम्मद अली अनब्रेकेबल क्योंकि बॉक्सिंग से रिलेटेड है गोल्डन गर्ल नना दैन पीटी ऊषा एंड मिल्खा सिंह इज ऑब्वियसली फॉर द रेस ऑफ माई लाइफ ये मिनिमम है जो काफी बार पूछा गया है ये कम से कम याद रखिए दैरियाल्स अभी करंट में रिसेंट में न्यूज में आया था इस पेंटिंग के इस डिजाइन के इस पेंटिंग प्रैक्टिस कॉल्ड नकाशी फैमिली नकाशी फैमिली फॉर मेनी जनरेशन नेम द मॉडर्न दिओ दिस आर्ट फॉर्म निम्नलिखित में से कौन सा स्टेट ऐसा है जो इस आर्ट फॉर्म को कौन से स्टेट में ये आपका प्रोमिनेंट है चेरियाल स्क्रॉल्स कौन सा फैमिली नकाशी फैमिली तमिलनाडु कर्नाटका वेस्ट बंगाल या फिर तेलंगाना व्हाट इज हेलो एवरीबॉडी इज ऑनलाइन हु इज आंसरिंग ऑप्शन नंबर फोर आशुतोष मिश्रा एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर चेरियाल स्क्रॉल पेंटिंग जितने लोगों को नहीं पता लिख लीजिए चेरियाल स्क्रॉल पेंटिंग इज अ स्टाइलिश वर्जन ऑफ नकाशी आर्ट रिच इन लोकल मोटिव्स मोटिव्स मतलब डिजाइन पैटर्न फ्लावर पैटर्न जो कि कहां से है तेलंगाना से है फ्रॉम द स्टेट ऑफ तेलंगाना नेक्स्ट क्वेश्चन What is India's rank among 180 countries on the Environment Performance Index 2018? Wait for it. Abhi kya puchenge? 2020. To nah According to the Biennial Report by Yule and Columbia Universities along with the World Economic Forum. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अब आप देखिए एनवायरमेंट के केस में आप सोचेंगे ये रिपोर्ट किन्होंने दिया तो किन्होंने दिया ध्यान रखिएगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स का रैंकिंग यहां पे देते हैं अलोंग विथ द टू यूनिवर्सिटीज येल एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटीज फर्स्ट थिंग क्वेश्चन में छुपा हुआ है ओके वन नो सी इन द ईयर टू थाउजेंड एटीन वॉट इज मोर इम्पोर्टेंट इज एनवर्मेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स का रेंट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम देते हैं और यहाँ पे उस साल वन सेवेंटी सेवन था एंड इन द ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी द एनवामेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स इंडिया सिक्योर्ड 168 rank. एंड रैंक यह कौन सा एडिशन था ये ट्वेल्थ एडिशन था इंडिया सिक्योर्ड वन सिक्सटी एट रैंक इन द एडिशन ऑफ दर्फॉर्मेंस इंडेक्स ई पी आई इंडेक्स ट्वेंटी ट्वेंटी ठीक है पहले क्या था पहले हंड्रेड एंड सेवेंटीन था नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हु अमोंग द फॉलोइंग आपको क्या पूछेगा अभी के लिए पूछेगा है ना तो आपको याद रखना है वन सिक्स एट

तो दिस विल स्टिल कम अंडर टू प्लस टू सो वॉट इज आंसर रिलेटेड टू प्रोड्यूसर भी है फिल्म डिरेक्टर भी है एंड ऑल्सो एक्टर एक्टर भी है मतलब थे अभी तो आपके प्रेसिडेंट बन गए सो वॉट इज नंबर थ्री वेरी गुड तो करेंट अफेयर्स में यूक्रेन देखिए क्लास ट्वेल्थ के बाद जो प्राइवेट आपके कुछ काउंसलिंग एजेंसीज रहते हैं जो कोशिश करते हैं कि बाहर भी बच्चों को भेजा जाए मेडिकल जिनको यहाँ पे सीट नहीं मिल जाता सो वन ऑफ दी लोकेशन इज यूक्रेन जहाँ पे मेडिकल uh, सीट्स में ट्वेल्थ के बाद बच्चों को भेजने का आपका कोशिश किया जाता है अनादर इज योर बांग्लादेश क्योंकि वहाँ पे मेडिकल का एडमिशन कंपेरेटिवली आपका ईजी रहता है बट वापस आने के बाद फिर से इंडिया में टेस्ट पास करना है सो आंसर इज योर वॉलिंदिर जेलिस्की करंट प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इन विच स्टेट दस दी नोटेड पदमा श्री एवर्डी एंड सूफी सेंट इब्राहिम सुतार बिलोंग निम्नलिखित में से कौन से स्टेट से इब्राहिम जो कि एक कौन से फील्ड से रिलेटेड है ये भी बताइए इनको कबीर ऑफ कबीर ऑफ दिस प्लेस भी कहा जाता है कबीर ऑफ कर्नाटका तेलंगाना केरला या फिर आंध्र प्रदेश ओके यू आर फ्रॉम नागपुर गुड मॉर्निंग सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे आई गेस तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कबीर ऑफ कर्नाटका कहा जाता है इब्राहिम सुतर को और यहां पे He is a social worker from Karnataka, right? So that's it for this particular class. I hope ye classes aapko jo hai 1000 questions jab aap in classes में kar lenge तो ये classes आपको जरूर से benefit करेंगे. Revision आप यहाँ पे साथ साथ करते रहिएगा and do not forget कि daily आपको जो है 6:15 को mock test join करना है और उसके बाद 7 pm को scan analysis जो है अन एकेडमी के स्पेशल क्लासेस के थ्रू करना है और सभी स्पेशल क्लास एब्सोल्युटली फ्री क्लासेस होते हैं फॉर ऑल दी स्टूडेंट्स सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर सेशंस डेली एम को यहां पे ज्वाइन कीजिएगा सेशन को जाने से पहले एक लाइक like तो करते हुए जाइएगा इफ यू लाइक दिस सेशन एंड ऑल्सो शेयर इट विथ फ्रेंड्स थैंक यू एवरी टेक केयर एंड हैव एन ऑसम डे अहेड बाय